अच्छा उस साइड से आ रही है, तो गाइस वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उस ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं सामने, यहाँ पे इसके नीचे शारदा नदी बहती है, वो यहाँ के मिल रही है, ये फिर इंडिया में बह रही है शारदा नदी यहाँ के। भैया राम राम, क्या हुआ? फाइनली हम लोग बनबसा से निकल चुके हैं। देखिए यहाँ पे बैटरी वाले रिक्शाज मिलेंगे आपको। ओ, ये रास्ता सीधा टनकपुर जा रहा है। ये टनकपुर जा रहा है ना भैया? ये रास्ता सीधा टनकपुर जा रहा है। ये द्वार है यहाँ का, ये घुसे हम बनबसा के मार्केट में। इसको पूरा क्रॉस करके बीच में जंगल टाइप आएगा, एक गेट वहाँ पे भी आता है। यहाँ पे ट्रेन व्रेन कभी नहीं आती भैया? अच्छा ये ट्रैक है, सामने वाला स्टेशन है ये। अच्छा सारी ट्रेनें आती हैं यार हमारे हरिद्वार से, तो शायद पता नहीं हरिद्वार से नहीं है ना। हाँ वही मैं देखूँ, हम लोगों ने एक दो बार कोशिश करी। देखिए पहले ये चेक पोस्ट टाइप आता है, यहाँ पे गाड़ी वालों को पर्ची कटा के ये 6 बजे ओपन होता है। यहाँ पे साइड में ऐसे दुकानें लगी हुई हैं, ये पीछे तक गाड़ियों की ऐसी लंबी लाइन होगी। तो गाइस बनबसा से आते हुए ये रास्ते में चेक पोस्ट पड़ता है जंगल के बाद, मतलब जो पावर स्टेशन पड़ता है बनबसा का, उसके बाद ये चेक पोस्ट पड़ता है जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। ये 6 बजे ओपन होता है, यहाँ सारी बसेज वगैरह जो भी होता है अपना पर्ची वगैरह कटवाती हैं और फिर उनके अंदर एंट्री होती है, फिर वहाँ पर ब्रिज आएगा। अभी मैं दिखाऊँगा आपको, जो भी आगे बिल्कुल छोटा सा जंगल और आएगा फिर ब्रिज आता है। तो ये देखिए सारे यहाँ पर गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। अभी सुबह हो रही है यार, तो इस वजह से मेरे पास वीडियो क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि लाइटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे जंगल है, सबने शॉप वालों ने अपनी अपनी अलग से लाइटें लगा रखी हैं यहाँ पर। मैं खोल देता हूँ। अच्छा मोबाइल मना करता है ये। सारे लाइन से लगे हुए हैं, ये सेकंड गेट है, वो जो था वो फर्स्ट गेट था, ये सेकंड गेट है, ये भी 6 बजे ओपन होगा। और हम लोग यहाँ पे 4th नंबर पे हैं अभी, और आ रहे हैं ऑटो वाले वगैरह। यार बता ये कौन सी नदी है राजू? ये शारदा नदी है, शारदा बैराज ही बोलते हैं ना सर। और इधर से दूसरी आ रही है ना कोई, उस साइड से महाकाली आ रही है, महाकाली को ही शारदा बोलता है? नहीं नहीं इसे शारदा बोलते हैं, महाकाली बोलते। अच्छा उस साइड से आ रही है, तो गाइस वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उस ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं सामने, यहाँ पे इसके नीचे शारदा नदी बहती है, वो यहाँ के मिल रही है, ये फिर इंडिया में बह रही है शारदा नदी यहाँ के।
मना करेंगे ना यहाँ बनाने से। मैंने तो पहले इनसे जिम्मेदारी ली थी, मैंने फोर व्हीलर क्रॉस कर दे तो भाड़ा नहीं देना। क्या कह रहे हो? मैंने पहले ही कहा था। ये ब्रिज है गाइस जो इंडिया से नेपाल को जोड़ता है। अभी पोर्शन और है नेपाल का, मतलब सॉरी इंडिया का, आगे जंगल पड़ेगा, वहाँ पे एक चेक पोस्ट और है, मतलब कोयला होटल बोलते हैं जहाँ तक ये बैटरी वाली। कोयला होटल तक जाते हैं, कोयला होटल तक जाते हैं, वहाँ से फिर नेपाल वाले ऑटो हमें पिक कर लेंगे, फिर हमें ऐसा ही कोई रिक्शा मिलेगा वहाँ पर, फिर वो पिक कर लेंगे। एक छोटा सा गेट यहाँ पर भी है आगे। पार्क हुआ करती थी इसमें पूरा। अच्छा, पार्क का बगीचा था ऐसा था कि भयंकर, क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत ही गजब का। जैसे कह गया ब्रिटिश, मतलब आज से ज़्यादा नहीं, 25-26 साल पहले ही था। हम लोग घूमने आया करते थे इधर पे इधर। तो आपने भी बचपन अपना ही स्पेंड करा है? पर्ची नहीं आई, मुक्का दिया। पर्ची नहीं आई, वैसे ही आ गए। ये देखो लाइन कितने आ गए। तो हमें भी यही लगना पड़ा, इनसे पहले पहुंचा दूंगा मैं भी, ये लाइन में खड़े हैं। और बैग वैग ये सारे मैं आपको बताऊंगा, सब उतरो। पैसे इसने की चेक पोस्ट की वहाँ पे, अब ये चेकिंग करवा के आ चुके हैं सारे लोग। आ गए वो पीछे पीछे आ रहे, थोड़ी दूर ही है। ये लास्ट, ये हम लोग अब नेपाल में एंटर हो गए हैं। वो यहाँ से भैया और हमारा साथ छूटता है। अब नेक्स्ट टाइम भैया से मिले, क्या नाम भैया आपका? संजीव कुमार अरोड़ा। अरोड़ा जी से मिलेंगे। थोड़ा पीछे से बैठो, यहाँ पे निकल के सीधे भुजेले पुल पे छोड़ाओ। कौन सी आफत है, आप तो यहीं के हो, या घंटों लगाए कोई लाइन में? लो हम तीन है ना, फिर बैग भी तीन हो तो दो बार में छोड़ के आ जाओ ना। जिस पहले सामान छोड़ के आ जाओ आप यहीं के लोकल, ना कहना हमारा सामान आया इंडिया से, उधर छोड़ के आओ। ये हमारे टीचर हैं, रूल नहीं तोड़ते। आप रूल नहीं तोड़ते तो आपकी दिक्कत ही है ना, फस फूस गए तो शाम का ही हो जाएगा। फॉलो करोगे तो भाई टाइम लगेगा। हाँ, और यहाँ से जाओगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। वो तो है, कितने निकल जाते हैं, कितने पीछे से निकल गए यहाँ रास्ते से। हाँ भी रनिंग में होते हैं ना, दगा भी भी रनिंग में मिले तो फिर क्या करेंगे? कोई रनिंग में नहीं, बैग यहीं रख, बैग यहाँ रख के, यहाँ ऑटो में रख के जाओ, उससे कहना आगे आओ। अच्छा, हमारा बैग रखो सीधे आओ, उससे कहना आगे आओ, वो पुल पे आ जाएगा। वहाँ पे कोविड का टेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे नानी नेपाली सिक्योरिटी लाइन देखी। लाइन में लगना है वहाँ पे, ये किस चीज की लाइन है फिर? ये तो एंट्री कराने के लिए। अच्छा, पहले वहाँ लग, आप वहाँ जाना, लाइन लगा दो। इन सब प्रोसीजर के बाद जब यहाँ पूरी लाइन से क्रॉस करके टेस्ट करवा के फिर यहाँ वेट करके फिर आपको स्टैंप लगवाएंगे नेगेटिव का, अब आपके अंदर एंट्री हो सकती है वहाँ से। अब क्या करना है? अब बाहर जाना है, वहाँ से ऑटो लेके जाना है।
यहाँ लाइन में तो हो गया ना, ये लाइन में लगे तो बाहर ही बसती थी, तो ये क्यों लगे हुए बेचारे? यहाँ नाम लिखाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, वो देखो ये लाइन वहाँ जा रहे हैं वो देखा ना? हाँ मैंने देखा, आप कहाँ जाने वो लगाए ना? बस चले बाहर चले, तो ये सामान